हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम एक ऐसे शेयर जो कि आपने थंबनेल में देख भी लिया है, बीएलडब्ल्यू की बात करने वाले। बीएलडब्ल्यू सोना बीएलडब्ल्यू, जिस जो कि अगर हम बात करें यहाँ पर टेस्ला को भी यहाँ पर अपने पार्ट सप्लाई करता है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज को पार्ट सप्लाई करता है। एज वेल एज बात करें ईवी ईवी के सेक्टर में सबसे बड़ी भूमिका उसकी रहेगी। दैट कंपनी विल प्ले अ वेरी ग्रेट रोल इन द ईवी सेक्टर और ईवी एनवायरनमेंट अगर बात करें। तो आइए उस कंपनी के बारे में, क्यों मैं बुलिश हूँ, क्यों मैं आज भी मैंने खरीदा है, मैंने कल भी आपको बताया था, मैंने परसों भी आपको बताया था। तो यहाँ पर बाइंग की जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चाइना इन्वेस्ट फॉर एवर जो कि आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस से मिलती रहे। कोई बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है ताकि आप खुद भी यहाँ पर सब चीज डिसाइड कर पाए। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई गई है, डेली बेसिस बनाई जाती है। देख लीजिए यहाँ पर निफ्टी का व्यू से रिलेटेड कि कितना और मार्केट गिरेगा और शेयर ज्यादा क्यों गिर रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। और हमारी पेड सर्विस ही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप करिए, पिंग करिए और आपको वहाँ पर हमारी सर्विस से रिलेटेड बता दिया जाएगा। अदरवाइज आपको कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर ही कमेंट करें इन पर्टिकुलर वीडियोस पे, यहाँ पर आप भी आपको जवाब दिया जाएगा। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, सोना बीएलडब्ल्यू हमने यहाँ पर खरीदा था जब ये आया था, ओके। उसके बाद अच्छे खासे प्रॉफिट में उसी दिन यहाँ पर बेच दिया था। फिर उसके बाद बात करें यहाँ पर इसी बीच में हमने दोबारा खरीदा था और एक अच्छी खासी रैली को हमने एंजॉय भी किया, पैसा भी हमारा डबल होता हुआ नजर आया। और अभी कंटिन्यूटी के साथ गिरावट नजर आ रही है, तो कितनी और गिरावट हो सकती है, कितना और शेयर हमें यहाँ पर बेचना चाहिए, खरीदना चाहिए, क्या है इससे पीछे का, हम एक बार रीजन देख लेते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर इसे, तो देखिए लगभग 31% शेयर ये अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी क्रैक हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, आरएसआई की बात करें 49 के आरएसआई पे और एक बेहतरीन सपोर्ट पे यहाँ पर ये शेयर अब खड़ा हुआ है, क्योंकि पहले भी इसी लेवल पर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ी बहुत और गिरावट 50-60% रुपीस की यहाँ पर हो सकती है। तो क्या बेच देना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ रीजन बताना चाहता हूँ इस स्टॉक को खरीदने के, ओके। तो सबसे पहला रीजन है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगी 27 अक्टूबर को इसके रिजल्ट है। 27 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो 27 अक्टूबर यहां पर वेनेसडे को पड़ रहा है, वेनेसडे को इसके रिजल्ट आने हैं, ओके। और अगर हम यहां पर देखें कुछ और पैरामीटर, तो देखिए 813 रुपए से यहां पर 600 रुपए पे शेयर आ गया, लगभग 200 रुपए करेक्ट हो चुका है। 200 रुपए करेक्ट होना मतलब 31% की गिरावट, 50% की डिलीवरी आज भी उठाई गई है, वो काफी बेहतरीन स्टॉक्स। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं कुछ और पैरामीटर, तो देखिए आज आए हैं एक और ऑटो एंसिलरीज के नंबर, सुब्रोज के नंबर आए और ये शेयर कितना 10% ऊपर। इससे पहले अगर बात करें, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि जितने भी ऑटो एंसिलरीज स्टॉक्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी अगर हम बात करें रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे रिजल्ट काफी बेहतरीन आ रहे हैं। और जब ऐसी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे खासे आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये कंपनी तो दिग्गज कंपनी है जो कि ईवी में रोल प्ले करती है, एज वेल एज इसके जो अगर क्लाइंट्स की बात करें तो वो यहाँ पर टेस्ला जैसे है, तो वो चीज समझने की बात है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए इंडियाज लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी, डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑटोमेटिक सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स सच एज डिफरेंट असेंबलीज, गियर्स, कन्वेंशन एंड माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स, बीएसजी सिस्टम एंड ईवी ट्रैक्शन मोटर्स अक्रॉस ऑल व्हीकल कैटेगरी, मतलब सारी की सारी व्हीकल कैटेगरी में जो ईवी ट्रैक्शन मोटर्स है वो सारी की सारी कौन बेचता हुआ नजर आता है मोस्टली, ये कंपनी सोना बीएलडब्ल्यू। और इसके क्लाइंट की बात करें तो इसके क्लाइंट बड़े बड़े हैं, एक बार इस कंपनी पे जाके यहाँ पर देखना तो आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर देखें, तो कंपनी से रिलेटेड देखिए इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी में कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है, ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी काफी बेहतरीन है, कंपनी में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट सेल्स टू बीईवी मार्केट अभी भी 13.7% की यहाँ पर प्रोडक्ट सेल्स किए जा रहे हैं। टॉप 10 अमोंग ग्लोबल डिफरेंट बेबल गियर इंप्लीमेंट, मतलब यहाँ पर ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, अपने आप को ग्लोबली कंपेयर करती है, इस चीज को याद थोड़ा सा ध्यान रखिए। और यहाँ पर ये इनके बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड बातें करें तो देखिए अंबर सॉरी
अंबर व्हीकल्स, अशोक लेलैंड, डैमलर, गिली, जैगुआर, लैंड रोवर, तो मतलब टाटा, टाटा की तो मोस्टली ईवी बिक्री है, तो ऑब्वियस सी बात है इस शेयर को फायदा होगा। इलेक्ट्रिक, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, मारुति सुजुकी, यहाँ पर रिवॉल्ट, इंटेलेक्ट कॉप, तो और भी इसके पार्टनर्स हैं यहाँ पर, इनकने टेस्ला का नाम नहीं दिया, टेस्ला वगैरह भी इसके बड़े बड़े यहाँ पर इस कंपनी के क्या है कस्टमर्स एक तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए, ये कंपनी छोटी मोटी नहीं है, ये कंपनी काफी बेहतरीन है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर कुछ और पैरामीटर की बात करें तो मार्केट कैप यहाँ पर देख सकते हैं, लार्ज कैप कंपनी है, 36,464 करोड़ रुपीज का मार्केट कैप है। पी की बात करें तो पी काफी बेहतर ज्यादा चल रहा है, 182% का आर ओ सी, आर ओ ई काफी बेहतरीन है, और जब अच्छी चीजें मिलती है ना तो हम हमेशा हाई पी पे मिलती है, इस चीज को याद रखिएगा। 32% का यहाँ पर कर्ज भी है। अगर हम बात करें 10 की फेस वैल्यू है, 813 रुपए से 811 रुपए पे शेयर ऑलरेडी यहाँ पर 611 पे ट्रेड कर रहा है, ऑलरेडी यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है 31% की, और 50 हमें और चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखें तो इसके रिजल्ट देखेंगे ना ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे काफी बेहतरीन रिजल्ट है, और अभी जितनी भी कंपनी के रिजल्ट आए ऑटो एंसिलरीज के वो सब के सब बेहतरीन रिजल्ट आते हैं यहाँ पर पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज, जो कि मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया है। और यहाँ पर देखेंगे तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर रिटर्न आ रहे हैं ईयरली बेसिस पे, यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है और यहाँ पर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जनरेट कर रही है। रिजर्व की बात करें, रिजर्व यहाँ पर कंपनी के थोड़े से कम होते हुए नजर आए, फिर भी बेहतरीन रिजर्व है। यहाँ पर बोरिंग कंपनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है, वर्किंग प्रोग्रेस में यहाँ पर पैसे लगे हुए हैं, यहाँ पर कैश कंपनी के पास अच्छा खासा आई थिंक होगा, यहाँ पर देखिए 28 करोड़ का कैश भी है, जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की होल्डिंग 67.3% की है, एफआईज ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी 10% की होल्डिंग है, एफडीआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है 16.43%, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास यहाँ पर 3.65 से 5.88, मतलब पब्लिक के पास लगभग लगभग 6% की होल्डिंग है, तो ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास नहीं है। पब्लिक के यहाँ पर बात करें एफआईडीआईज के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, तो इस कंपनी की तरफ थोड़ी सी निगाह बनाई है, ये कंपनी काफी बेहतरीन है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पैरामीटर, 27 अक्टूबर को इसके रिजल्ट है, थोड़ा बहुत यहाँ पर अभी ये कंसोलिडेट करेगा, और अगर अच्छे रिजल्ट आए, जो कि मुझे लग रहा है कि अच्छे आएंगे क्योंकि सारी की सारी ऑटो एंसिलरीज के कम छोटी छोटी कंपनीज के नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो ये कंपनी के नंबर अच्छे आने ही है, और यहाँ पर ये शेयर 10-15% तो उसी दिन यहाँ पर मूव करता हुआ दिखाई देगा, तो 31% के गेन तो यहाँ पर मुझे साफ नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे 6 महीने का और, तो 1,000 रुपए के लेवल को भी टच कर सकता है ये शेयर, उस शेयर में से है, तो थोड़ा सा वेट करिए। अगर अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये जब भी अभी 50 DMA को तो ये टच ही नहीं कर रहा है, 50 DMA के आसपास आके केवल पोलैंड फ्लैग टाइप में पैटर्न बना के जाता हुआ नजर आ रहा है, इसी तरीके का ये पैटर्न बनाते हुए नजर आता है जिगजैग मोशन में। और अगर 1,000 रुपीज का लेवल की अगर हम बात करें कि कितना कितने परसेंट के रिटर्न बन जाते हैं, तो यहाँ पर अगर हम एक बार देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1,000 रुपीज का मतलब क्या है, तो लगभग 60% के रिटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, और 6 महीने में अगर 60% के रिटर्न मिल गया ना, काफी बेहतरीन है। और यहाँ पर अगर बात करें ईवी अच्छा खासा तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है, और ईवी का काफी बेहतरीन बड़ा प्लेयर ये नजर आता है, तो इस शेयर की तरफ नजरें बनाइए। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिए, 27 तारीख को रिजल्ट है, रिजल्ट देख लीजिए उसके बाद इन्वेस्ट करिए, या पहले भी करना है तो यहाँ पर मुझे तो बेहतरीन कंपनी नजर आती है, मैं यहाँ पर बाय एंड डिप्स कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर बात करें दूसरी कंपनीज की तरफ ध्यान दीजिए, और ये दूसरी शेयर की तरफ यहाँ पर वीडियोस देखिए, और हमें इसे कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सएप नंबर है, पिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।